ये है वो दूल्हा जो की शादी में हम आए कराची से। होलिया खराब है सब, अच्छा तुम लोग के सामान उठा उठा के और अब इसका मैट्रेस भी ले लिया है, ऑलमोस्ट फर्नीचर भी आ गया और मैट्रेस भी आ गया है और ये मैट्रेस जा रहा है गाड़ी में रखने के लिए। मुबारक हो, आपका बिस्तर हो गया तैयार। रात को इसमें तू और मैं सोएंगे। आज रात को सिर्फ 3 दिन तक हाँ, उसके बाद तू कौन मैं कौन। मैट्रेस जा रहा है घर और हम जा रहे हैं कुछ खाने। सर आपका नाम क्या है? इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। आएंगे चलो, वो यारी बीआरटी शादी इसकी है, मैट्रेस इसने लिया है। सर तकिए नहीं दिया आपने? अरे तकिए हमने लिए नहीं तो मैट्रेस का तकिए फिर नहीं आते। चेक कर बंदे का लेवल ही अलग आ रहा है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ से देख वे वे 15 बंदे बंदे के नीचे काम कर रहे हैं भाई, बंदे बहुत बन गया यार। कार आगे डरे। चलो अब जाके देखते हैं कि क्या अच्छा खाने मिलता है। फिलहाल डिसाइड कर रहे हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं फाइनल करके कि क्या खा रहे हैं हम। खाने में मेन्यू क्या है? खाने में मेन्यू है काबली पुलाव है और चिकन रोस्ट है, गोश्त की कढ़ाई है, कढ़ाई टाइप वो कोरमा जो होता है वो है, और या वाइट कोरमा हो सकता है वो। अच्छा, और वो है क्या कहते हैं उसको, पालक गोश्त है और सिंडी है या हलवा। हाँ, हम आ गए चीफ दूल्हे में। ये कुछ खिलाने लाए ताकि कुछ ताकत वाकत आए दूल्हे में। क्या हुआ? वैक्सीनेशन। हाँ वैक्सीनेशन हो गया सर। सर हो गया, दिखाऊं कार्ड? दिखाऊं? नहीं नहीं, बस अभी जब बताया। मैं कराची से लगवा के आया हूँ स्पेशल। तेरी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत है तू यार, क्यों चेक करेगा तुझे? कितने बंदे काम कर रहे? 15 बंदे काम कर रहे इसके नीचे नीचे। हाला खुशबू ने दिल लूट लिया। कहा गया हम से तुम्हें ठीक है, क्या हाल चाल है? ठीक है, क्या खाया आपने? नहीं यार चाइना का मोबाइल है। अच्छा बेहतरीन खाना देता कि मज़ा आ जाएगा, रिव्यू अच्छे देते हैं हम आपके, ठीक है ना? बस अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं, चीज़ ऐसी हो कि मज़ा आ जाए। क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप मम्मी अपने लिए? चीफ स्पेशल बर्गर। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है पिशावर का चीफ, और यहाँ बहुत मज़े के खाने मिलते हैं, जैसे आप जो है ना बर्गर बहुत अच्छे हैं यहाँ के वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर बर्गर के अलावा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है इनका, और बाकी जो दूसरी चीज़ें मंगाते देखते हैं। ज़्यादा मैंने ट्राई नहीं किया, सिर्फ मैंने बर्गर ट्राई किया यहाँ पर और पिज़्ज़ा ट्राई किया, तो वो बहुत लजीज होता है माशाल्लाह। में एलोपिनो मीठी होती है, जलेपिनो खट्टी होती है। भाई ये माशाल्लाह पिशावर की ये कैटेगरी है माशाल्लाह से, ये लड़के पिशावर के ये जहेज अपना खुद तैयार करते हैं माशाल्लाह। शुरुआत इसने की है, उसके बाद ये आया है, अब माशाल्लाह ये आया है, तो पहले भी जहेज तो खुद तैयार करेगा, अपना खुद बनाएगा फर्नीचर वगैरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेंजेस आएगी इंशाल्लाह इसी तरह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देख लिया नहीं है, अभी थोड़ी अपलोड होगी सर, एडिट होगी ना, अभी एडिट होगी फिर अपलोड होगी ना। वेट्स आ गई हैं, चमचे भी आ गए हैं, और मतलब तेरी डाइटिंग का फुल तोड़ इलाज कर दिया हमने, नहीं खा रहा मेरे, तेरे 6 घंटे पूरे हो गए खाने के, अब डाइटिंग पर आ गया। मतलब खाने का टाइम नहीं, तू नहीं खाएगा, सामने खाना भी होगा फिर नहीं खाएगा। पिनो स्पाइसी ना तो स्पेशल आपके लिए है, जबरदस्त सॉस, जबरदस्त सॉस आपको मजा आएगा। ये चिली गार्लिक रेड टोमेटो केचप, इसे टमाटर केचप है, तो इन सब के पीछे एक राज है। थैंक यू, क्या राज है? कमाल है, बड़े बैठे हुए यार, उसके पीछे ये राज है। सबको चारों पांचों बच्चों से एक झट को जहर लग रहा था, कहते ये चिली सॉस मनोज आदमी, मतलब वो मेरी वजह से खास तौर पे लाया, यानी मैं तुम लोगों की ये वाला सॉस खास तौर पे लाया, उसने बोला है अभी ब्लॉगर की इज्जत कर रहे हैं। देखो यार ये ब्लॉगर लोगों के लोग हमारे लिए थोड़ी है, हम तो कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट में जाएंगे फ्री खाना मिलेगा। ये अगर मैं नहीं होता इधर कभी भी लाके नहीं देता, ये उसने कुछ बोला कि आपके लिए खास तौर पे लाया हूं, मंगाता टमाटर सॉस लेके तेरी तरह नहीं उठा आके बताता सर हमारे पास ये भी होता है, उसे मैं तब मानूंगा जब फ्री में होगा खाना। नहीं हुआ है कराची में मेरे को, मैं बेकरी में गया था, मैं यूनाइटेड बेकरी में गया था, 170 रुपए का बिल बना था, उसमें से 150 रुपए लिए थे, 20 रुपए का डिस्काउंट, 20 रुपए का डिस्काउंट बोला उसने, सर आप बिलो करें मैं आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात मेरी। और बहुत सारी बातें करने के बाद माशाल्लाह से खाना आ चुका है, जबरदस्त पिज्जा स्पेशल, ये बीफ पाए, ये मेरा है, चीज़ स्पेशल इधर है, मीट चीज़ इधर है, बीफ चीज़
पीछे बहुत ज्यादा नहीं ले लूंगा अच्छा है स्पेशल मेरे लिए थैंक यू सर चिकू जी भाई कुछ कह रहे हैं भाई सुनो कुछ कहा भाई ने बाद में वक्त के बाद ओके नहीं कह रहा है ऑर्डर ही नहीं दिया थैंक यू सर वेरी मच नहीं और सर थैंक यू बस अब खाते और आपको रिव्यू देते हैं इंशाल्लाह बीफ पाए बीफ की फिलिंग और उसके साथ चीज क्लास पाए का तड़का काफी जरा मैं करना है करा मैं केचप और एक बड़ी बाइट हैवी है बहुत क्लासी है बहुत जूसी है 10 of 10 जब आप 3 दिन बाद सफ़र करके आ रहे हो तो फिर ऐसा खाना मिले मज़ा आ जाए बीफ और चिकन दोनों है क्या क्लासी ये सारे ये एहतिशाम भाई की तरफ से ट्रीट है मेरे कराची से पिशावर आने की खुशी में पिज़्ज़ा के भी अपने गेम है भाई ये भी कम नहीं है माशाल्लाह बहुत टेस्टी बहुत लजीज खाना फास्ट फूड सारा था बीफ पैसे लेके चीफ का स्पेशल बर्गर आफ्टर पिज़्ज़ा थैंक यू यार बहुत अच्छा खाना था आपका बहुत ज़बरदस्त स्पेशली ये बीफ पाइस का और उसके साथ पिज़्ज़े का भी टेस्ट अच्छा था और जो इसके लिए आप स्पेशल बर्गर बोला था ना आपका जो चीफ का स्पेशल बर्गर था बस एक ही इस भाई को अल्पिनो थोड़ा सा वो लाइट लगा था ये इससे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था असल में इंशाल्लाह बाकी बहुत अच्छा बेहतरीन रिव्यूज आप जरा बिल करा दें हमारा कौन सी लड़की पसंद कर ली जिसके प्यार में ये इसने इतना बेहतरीन खाना छोड़ दिया कि मेरा टाइम ऑफ हो गया और मैं अब खा नहीं सकता मैं बड़ा हैरान हूं खाने के मामले में यार मैं नहीं कर सकता ये चीज सामने खाना हो और मैं डाइटिंग पे जाऊं उफ तेरी सोच है मैं कभी ना घर में बर्दाश्त की कुवत है माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा खाना आपने खिलाया आप तशरीफ आए कराची से हमें को दावत है अरे थैंक यू वेरी मच बस हम निकलते हैं चीफ से फिर देखते हैं आगे क्या है सीन है माशाल्लाह से यार जो हमने खाना खाया है बहुत बेहतरीन और मैं फिर उसका आपको जो है ना बिल जाए बिल आपको थोड़ा बहुत उसका मैं बता दूँ ये क्या बना है माशाल्लाह से जो हमने खाया है इसमें ये जो आइटम है ये तो बीफ बर्गर है चीफ स्पेशल बर्गर और बीफ पाए जलेपिनो चीज बर्गर और बोलो ना चिकन लाइक समथिंग और फ्रेश लाइम बहुत मज़े के थे फ्रेश लाइम इन्होंने जो दिया है हमें 577 का एक है तो ये ओवरऑल जो बिल बना है हमारा 2600 rupees विद नो डिस्काउंट तो उन्होंने कहा हमारा मैनेजर जा चुका है तो हम आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते कॉटन कैंडी की उम्र नहीं गई तुम्हारी के बाद मैं मीठा होना चाहिए माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सिंगर चल दे बाबा ठीक ठाक बेहतरीन खाना बहुत अच्छा मज़ा आ गया चीफ थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ पेशावर सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में मज़ा करता है मुझे गर्मी में तो मेरा दिल ही नहीं करता क्योंकि पत्ता भी नहीं मिलता बहुत ख़तरनाक गर्मी होती है पेशावर गर्मी में बहुत बुरा है और उतना ही अगस्त के स्टार्ट में उतना ही अच्छा है ये सर्दियों में माहौल कराची का गर्मी होती है ना नहीं सर्दी भी होती है सर्दी होगी अमर भाई ये आपकी सोच है आप आए ज़रा फ्री फायर पसंद है आपको पबजी नहीं पसंद चलो मैं भी फ्री फायर लगाऊंगा आपके साथ में वन खेलेंगे सही है यार पराठों का लेवल चेक करो यार माशाल्लाह पश्चिम तो बता क्या बोलूँ कोले पराठे दलता खाया दलता पल साइड खाइस्ता पकेगी वोटा पराठा मज़ेदार डेर मज़ेदार दे अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्राम पेशावर अलहमदिल्ला सेकेंड डे आज और बहुत ज़बरदस्त सुबह है बहुत खूबसूरत सुबह है और बहुत मज़े का वेदर है नाश्ता वगैरह कर लिया टाइट किस्म का और अभी जो है वो अथर मेरा कज़न जनोमी जिसकी शादी है उसका बड़ा भाई वो जानवर लेकर आ गया है जिसको यहाँ पर कट्टा बोलते हैं
और काले कलर का होता है, भैंसा होता है, वो ले आया है और बहुत ही जानदार जानवर है, बहुत ज़बरदस्त जानवर है। अब उसको करेंगे ज़िबा क्योंकि वो शादी में भी इसका गोश्त यूज़ होगा, उसके अलावा और घर के खानों में भी इसका गोश्त यूज़ होगा, तो बहुत ज़बरदस्त जानवर है। और लेकिन अभी वो घर के अंदर है, हम जा नहीं सके, अभी एक्सेस नहीं मिला क्योंकि वो किसी और के घर पर है और वहाँ पर हम जाके करेंगे कुर्बानी। और अथर जो है वो छुरियाँ तेज़ करने गया हुआ है, जैसे छुरियाँ तेज़ करके लेकर आएगा तो उसके बाद जो है फिर हम उसको मिल के कुर्बानी करेंगे। तो दोबारा हम आएँगे कसाई वाले माहौल में और अब हम कसाई बनेंगे और कुर्बानी वाला टाइम दोबारा से उसको ताज़ा करेंगे और यहाँ पर एक अच्छा सा जानवर हम ज़िबा करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी शहीदों में अपनी उंगलियां कटवा लूं। दो छुरियां लेने के लिए उसे चार बंदे साथ लेकर गया है वो, उठा के जानवर का जानवर दिखाओ ना। कल्लू कसाई कराची के मशहूर कल्लू कसाई हमारे, इनको इंपोर्ट करा हमने कराची से, यहाँ पर आके ये करेंगे कुर्बानी। छुरियां तेज वो चले गए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया। जानवर दिखाओ किधर है। ये सुरेश मेरा बहुत प्यारा बांझा, बहुत ज़बरदस्त बांझा, और जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था वो बहुत छोटा था और माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। और ये फ्री फायर खेलता है बहुत ज़बरदस्त, पूरी पूरी रात बैठ के जो है ना इसने जो है अपने पर डिवाइस रखी हुई, वो एक बहुत अच्छी इसकी डिवाइस की जोन की, और जो है उस पर ये बैठ के जो है ना आराम से जो है ना पूरी पूरी रात जो है ना गेम खेलते हैं। इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो उन्होंने कहा बोला भाई हमने यहाँ पर बैठ के जो है ना बस कुछ करना है नहीं, बस फ्री फायर खेलना है और उसमें अपना रैंक पुश करना है, ऐसा ही है ना। अच्छा मैंने फ्री फायर नहीं खेला अभी तक, मैं बेसिकली मैं पबजी का लवर हूँ तो मैं पबजी ही खेलता हूँ। तो इंशाल्लाह जुरैश से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री फायर में और फिर मैं अभी फ्री फायर डाउनलोड करता हूँ। वो है माशाल्लाह ये जानवर है भाई, चलो भाई इसका सिलसिला शुरू करने के लिए। माँ खोपी दे आपके वलीमे का जानवर कटने जा रहा है। क्या लिए 26 को नहीं 29 को, अभी ये कट रहा है 29 को, तूने कटना है 29 को उधर तो देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह है। कोई भी नहीं आएगा, पीछे होके खड़े जाओ। बहुत खतरनाक जानवर है भाई, इसको गिराने में बड़ा मुश्किल होने वाली है। देख रहा है मुझे किचन में भागूंगा बता रहा हूँ। उसको देखा खड़ा हुआ है, बिटका हुआ है, लोग सीढ़ियों पे चढ़ गए। दुल्हन भैया आपका जानवर कट रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरी खुद आना टाइट है, देख कितनी शैतान है बहुत शैतान है। ये सबसे ज्यादा डरपोक है, इसने बाथरूम की जगह देख ली है, ये बाथरूम में कितने बाथरूम किचन है चढ़ा हुआ है। किचन रेडी है भागने के लिए, दरवाजा खटखटाते रहता है, अलग चेहरे पे अलग ही नूर आ रहा है दूल्हे मियाँ की। क्या लगाया है? हाँ भाई ये इम्पोर्टेड कसाई कराची से स्पेशल मंगवाए अभी अपनी छोड़ उतारे बनियान में। अच्छा 1,00,000 रुपये का जानवर मुझे तो लग रहा है महंगा, आपको कैसा लग रहा है? सस्ता लग रहा है महंगा लग रहा है? आप मंडी चले आपको पता चले। अच्छा मंडी में रेट ज़्यादा है भाई, 1,00,000 रुपये का लिया है भाई, 1,00,000 रुपये अरे ब्रोकरी भी दी है ना आपने। सर आपको कैसा लग रहा है ये जानवर? गिराने में कैसा गिर जाएगा? जबरदस्त है, 1,01,000। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुर्बानी की वजह से जो है ना, मुझे लग रहा है कि अगर ईद होती तो चलो 1,00,000 का आता, इस वक्त ये होना चाहिए था 80-75-80 का। क्यों गोश्त कितना होगा इसमें? डेढ़ मन है पक्का, पक्का डेढ़ मन है, पक्का डेढ़ मन पक्का, 40 वाला नहीं, 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है। बहुत मुश्किल हो रही है इसको काटने में भाई, इसको गिराने में बड़ी मुश्किल हो रही है। फिर मसला क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना हमारा ये ये बहुत हद से भी ज्यादा है, हद से भी ज्यादा है। सही था सही था सही था, सरकार ने कहा था मैं उड़ी रहूं नहीं जिला बराबर तो मैं नहीं कहा ना कावा 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 तब मेरे ना क्यों तो रोक रहा वो छुट्टी तक के अच्छा अच्छा तो कावा 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 लेकिन ये बेटा जो है ना ये बहुत कनाकार और मकार एक नंबर का, ये पेड़ ही मैंने इसको गुस्से करा करा के करवाया पूरा, नहीं करना था।
ये पिंजरा किसके लिए रखा है, इसमें कौन बंद होगा? इसमें छुप जाएगा, इसके बंद नहीं आएगा। एक काम कर, बंद होकर देख इसमें जरा, एक ट्राई तो कर, एक ट्राई तो कर, एक ट्राई तो कर, पहले ट्राई हुआ है यार, ये सही चीज है यार। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये भाई तगड़ा लगा है।